नमस्ते दोस्तों, सी ए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, जब आप NRI को पेमेंट करते हैं, यानी कि नॉन रेजिडेंट इंडियन को, तो उस केस में TDS काट के ही पेमेंट की जाती है। पेमेंट यदि फ़ोन करेंसी में की जाती है तो पहले उसे इंडियन करेंसी में कन्वर्ट किया जाता है, उसके बाद ही उसकी पेमेंट की जाती है TDS काटने के बाद। तो दोस्तों, फ़ोन करेंसी से इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करने के लिए एक्सचेंज रेट क्या लेना है, इसके लिए गवर्नमेंट ने अब नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। दोस्तों, CBDT यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा 17 अगस्त 2023 को नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें कि इनकम टैक्स 17th Amendment Rule 2023 नोटिफाई किए गए हैं। दोस्तों, Rule 26 में जो सब्स्टिट्यूशन की गई है वो इस प्रकार है, यानी कि यदि फ़ोन करेंसी में इनकम जो पेबल होती है तो उस केस में TDS काटने के लिए एक्सचेंज रेट क्या लेना है। तो दोस्तों, यदि फ़ोन करेंसी में इनकम पेबल होती है तो उस केस में TDS काटा जाता है। यदि SSC आउटसाइड इंडिया है, या फिर यूनिट जो कि लोकेटेड होती है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर में, या फिर उस यूनिट के द्वारा जो कि लोकेटेड है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर टू एन SSC इन इंडिया, तो इस केस में दोस्तों टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र बाइंग रेट लिया जाएगा इस करेंसी का, उस दिन जिस दिन के आपको TDS काटना है एज पर चैप्टर 17B ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। तो दोस्तों, जो व्यक्ति ये TDS काटने के लिए लाइबल है, उसे अब टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र बाइंग रेट के अकॉर्डिंग एक्सचेंज रेट लेके इनकम डिटरमिन करनी है इंडियन करेंसी में, और उसके बाद उसका TDS काटना है। तो यहाँ पे टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र बाइंग रेट क्या होगा, इसे भी यहाँ पे डिफाइन किया गया है, यानी कि वो रेट ऑफ एक्सचेंज जो कि RBI के द्वारा गाइडलाइंस प्रोवाइड की जाती हैं और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा अडॉप्ट किया जाता है उस करेंसी को बाय करने के लिए, और ये करेंसी जो है SBI को टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र के द्वारा अवेलेबल कराई जाती है। तो दोस्तों, टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र बाइंग रेट आपको लेना है जो कि SBI के द्वारा अडॉप्ट किया जाता है। तो दोस्तों, जब भी आप NRI को पेमेंट करते हैं तो नॉर्मली चार्टर अकाउंटेंट से सर्टिफिकेट लेते हैं 15CB में, तो अब चार्टर अकाउंटेंट को भी ध्यान रखना है कि जब वो वहाँ पे एक्सचेंज रेट निकालते हैं तो उस केस में उन्हें SBI का बाइंग रेट ही लेना है, टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र बाइंग रेट। दोस्तों, आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाए। रेगुलर GST और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप TDS, इनकम टैक्स, GST और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कॉम्प्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxseal@gmail.com पर। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सील पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।